एक बार एक गांव में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण कई लोग मर जाते हैं। उसी गांव में निशा नाम की औरत रहती थी, जो कि सड़क के किनारे रहती थी और एक भिखारिन थी। हे भगवान, कितनी गर्मी है। इतने दिनों से ना कुछ खाया है ना पिया है। पता नहीं मैं जिंदा भी बचूंगी कि नहीं। और यहाँ के लोग भी कितने बुरे हैं, मेरी जरा सी भी मदद नहीं करते। तभी वहाँ से राजू नाम का चोर गुजरता है। अरे भैया, थोड़ी मदद कर दो, मेरी गर्मी बहुत है। मैं रोड के किनारे रहती हूँ। इस गर्मी से बचने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मदद कर दो भैया, मदद कर दो। देखो भिखारन, जो भी हो वो तुम्हारी किस्मत। बाकी तुम इतना कह रही हो तो लो, ये ले 2 रुपए। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है और निशा गर्मी के कारण असमय मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। ये गांव के लोग कैसे हैं? गरीब लोगों के लिए इनके मन में कोई मान सम्मान नहीं है। अब मैं इनको मजा जरूर चखाऊंगी। फिर रास्ते में उसे बिजली के सामान की दुकान दिखती है। वहाँ उसे फ्रिज दिखता है। अरे वाह, जब मैं जिंदा थी तो इस फ्रिज के बारे में सुना करती थी। ये तो सचमुच में बहुत ही बढ़िया चीज है। कितना ठंडा कर रहा है ये। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसा कहकर चुड़ैल फ्रिज के अंदर बैठ जाती है। अगले दिन उसी दुकान पर रमेश नाम का एक आदमी फ्रिज लेने आता है। अरे भैया, कोई अच्छा सा फ्रिज दिखाइए ना, जो कि पूरे गांव में किसी के पास ना हो। सेल्समैन उसे फ्रिज दिखाता है। क्या भैया, क्या झंडू मॉडल दिखा रहे हो, कुछ जोरदार मॉडल दिखाइए ना। तभी रमेश की नज़र कोने में पड़े फ्रिज की तरफ पड़ती है, जिस पर चुड़ैल का साया होता है। रमेश को वो फ्रिज देखते ही पसंद आ जाता है। ये फ्रिज है जोरदार, हमको एक बार में ही पसंद आ गया। ये मॉडल ही तो ढूंढ रहे थे हम। उसके बाद रमेश वो फ्रिज लेकर घर आ जाता है। घर पर उसकी बीवी बिमला और उसके बच्चे चुन्नू और बंटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तुमने जिंदगी में ये पहली बार अच्छा काम किया है। क्या मस्त फ्रिज लाए हो। हाँ पापा, मैं तो इस फ्रिज का ही पानी पीऊंगा रोज, और मैं तो रोज इसमें आइसक्रीम चबाऊंगा। हाँ हाँ, जिसका जो मन हो करना। चलो अब सोने चलते हैं, कल सुबह इसको चला कर देखेंगे। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। रात में फ्रिज में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। बिमला आवाजें सुनकर जग जाती है और रमेश को भी जगाती है। अजी अजी उठो, अजी उठो ना। अरे कुंभकर्ण, देखो फ्रिज में से आवाजें आ रही हैं। अरे उठ जा नास मिटे। क्या आवाजें आ रही हैं? चुप करके सो जाओ, लगता है फ्रिज के चक्कर में पागल हो गई है। तभी एकदम से फ्रिज में से आवाजें आनी बंद हो जाती है। बिमला भी वापस सो जाती है। अगली सुबह, चलो बच्चों फ्रिज खोलते हैं और इसको इसकी जगह पर रखते हैं। इसके बाद रमेश फ्रिज को चालू कर देता है और विमला उसमें सामान रख देती है। उसी रात फ्रिज में से फिर से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। अरे उठो जी, देखो फ्रिज में से आवाजें फिर से आ रही हैं। देखो जल्दी उठो। रमेश हड़बड़ाकर उठ जाता है और फ्रिज के पास जाता है। फ्रिज में से कुछ खाने की आवाज आ रही होती है। हाँ विमला, तुम कह तो ठीक रही हो, कुछ खाने की आवाजें तो आ रही हैं। रुको मैं देखता हूँ। रमेश चुपके से जाता है और फ्रिज का दरवाजा खोलता है। उसमें उसका छोटा बेटा चुन्नू बैठ कर कुछ खा रहा होता है। ये रहा तुम्हारा भूत। ये दुष्ट बैठ कर खा रहा था। बिमला और चुन्नू भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और अगली रात रमेश पानी पीने के लिए उठता है और वो नींद में फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है, लेकिन उसे बोतल फ्रिज में बैठी हुई चुड़ैल पकड़ाती है। रमेश पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि फ्रिज में तो उसने हाथ डाला ही नहीं। कौन कौन है फ्रिज में, बाहर आओ। तभी चुड़ैल हंसते हुए बाहर आ जाती है। क्या हुआ रमेश बाबू, ठंडे पानी के मजे ले रहे हो? कौन कौन हो तुम और फ्रिज में कैसे आई? आ मेरे साथ, तुझे ठंडी वादियों की सैर करवाती हूँ। फिर चुड़ैल उसे फ्रिज के अंदर खींच लेती है और तभी राजू चोर रमेश के घर चोरी करने आता है।
बड़ा सुंदर घर, लगत है माल भी बहुत होगा। वो घर के अंदर जाता है, तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है। ओहो, नया फ्रिज, क्यों ना इसे ही ले चलूं? वैसे भी मेरे पास फ्रिज नहीं है, मजे से ठंडा पानी और ठंडी ठंडी चीजें खाऊंगा। ऐसा कहकर राजू फ्रिज अपनी पीठ पर उठा लेता है। अरे यार, बहुत भारी है ये फ्रिज तो, किसी को बुला लेता तो अच्छा रहता। चलो अकेले ही लेकर चलता हूँ। राजू किसी तरह उस भारी फ्रिज को लेकर अपने घर आता है। घर पर उसकी बीवी शांति उसका इंतजार कर रही होती है। वो भी राजू की तरह चोर होती है। अरे वाह, मजा आ गया, आज तो आप फ्रिज ही चुरा लाए हो, मजा ही आ गया। अपने मोहल्ले में किसी के पास फ्रिज नहीं है, कल सबको दिखाऊंगी और चिढ़ाऊंगी। अरे भगवान, जिसको चिढ़ाना है चिढ़ा लेना, लेकिन अभी मुझे इस फ्रिज को चालू करके इसके ठंडे पानी का मजा तो लेने दो। उधर अगले दिन रमेश को घर पर ना पाकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। ये मनहूस आदमी कहाँ मर गया, मैं तो इससे दुखी हो चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ चला जाता है बिना बताए। दो बच्चों का बाप हो गया है, लेकिन अभी भी आवारा गर्दी से फुर्सत नहीं मिलती इसको। माँ माँ, उधर देखो, पापा तो पापा, हमारा फ्रिज भी गायब है। लगता है पापा और फ्रिज को कोई चोर चुरा कर ले गया। ये देखकर विमला काफी घबरा जाती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम दोनों खेलने जाओ, मैं तुम्हारे मामा फन्ने को बुलाती हूँ। उधर उसी रात जब राजू सो रहा होता है, तभी फ्रिज अपने आप हिलने लगता है। उसके शोर से राजू और शांति जाग जाते हैं। ये फ्रिज क्यों हिल रहा है जी, जाके देखो जरा। मैं नहीं जाने का, फ्रिज का पानी पीने का शौक तुझे है तो तू ही जा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शांति डरते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलती है, चुड़ैल उसे अंदर खींच लेती है और चुड़ैल फ्रिज से बाहर आ जाती है। आज पता चला दुनिया गोल है। राजू, उस दिन तू मुझे छोड़ गया था मरने के लिए, और देख आज तेरी बीवी मरेगी मेरे हाथों। देखो, मेरी उस दिन की भूल का बदला मेरी बीवी से मत लो, गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही दो। उस दिन तूने मुझे 2 रुपए नहीं दिए थे, मैं तुझे 2 दिन दे रही हूँ, बचा सकता है तो बचा ले अपनी बीवी की जान। दुनिया सच में गोल है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर बिमला अपने भाई फन्ने को बुला लेती है और उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद, देखो दीदी, जैसे तुम बता रही हो उस हिसाब से तो अपना जीजा उस फ्रिज में ही है, और मुझे लगता है उस फ्रिज में कोई चुड़ैल या भूत का साया है। अगर तुम कहो तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे बुला लूं। फिर फन्ने कहे के अनुसार एक तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक आने के बाद पूरे घर को देखता है। मैंने पूरे घर को देख लिया है, फन्ने सही कह रहा है, तुम्हारा पति उस फ्रिज वाली चुड़ैल के कब्जे में है, और 2 दिन बाद वो उसे मार डालेगी और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, फिर उसे इस दुनिया में कोई आदमी नहीं हरा पाएगा। तो हम क्या करें बाबा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूँगा। पहले मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वो फ्रिज अभी है। उसके बाद वो तीनों राजू के घर जाते हैं। क्यों बेटा, उस दिन गरीब को मदद करने से मना कर दिया था, अब उसी का परिणाम भुगत रहे हो। चलो दिखाओ वो फ्रिज कहाँ है। राजू तांत्रिक को फ्रिज की तरफ इशारा करके दिखाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, वैसे वैसे फ्रिज जलने लगता है और उसमें से चुड़ैल, शांति और रमेश बाहर आ जाते हैं। तांत्रिक, इस बार तूने तो इनको बचा लिया, लेकिन अगली बार किसी ने गरीबों के साथ ना इंसाफी की तो मैं फिर आऊंगी।